तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हमारे किसान भाई देसी भाषा में मोदी वाली स्कीम भी कहते हैं, जिसके तहत प्रतिवर्ष भारत सरकार 6,000 रुपये की राशि किसानों को देती है। यह राशि 3 किस्तों में आती है, 2,000 रुपये की एक प्रत्येक किस्त मिलती है और यह किस्त प्रत्येक 4 महीने के बाद एक किस्त डाली जाती है जो 2,000 रुपये की किस्त होती है। किसान भाइयों, उस योजना की, उस स्कीम की फिलहाल वेरिफिकेशन चल रही है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके तहत क्या किया जा रहा है, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, इसमें यह देखा जा रहा है कि जिस भी किसान ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसकी जमीन सच्चाई में है या नहीं, या उसने गलत तरीके से अपना फॉर्म भरवाया है या उसका फॉर्म पास हुआ है। सरकार यह चेक करवा रही है कि उसने जो जमीन भरी थी या खेवट नंबर भरी थी वह उसकी है या नहीं, या उसके पास सच में जमीन है या नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन किस प्रकार की जा रही है और किसकी वेरिफिकेशन आई है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जिसने अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था और वह पास हुआ था, पास करवाया था, लगभग ज़्यादातर उन किसानों की वेरिफिकेशन आई है, या फिर उन किसानों की आई है जिस रिकॉर्ड जब अधिकारियों ने चेक किया तब नहीं मिला, क्योंकि किसान भाइयों, उन्होंने जो खेवट नंबर दिया था और उन्होंने जब चेक किया तो उसके नाम पर कोई भी वहां पर नकल या फर्द नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने वेरिफिकेशन की है। अब उनके पास फर्द नहीं है तो उसका इंतकाल होगा, इसलिए किसान के पास जाया जा रहा है और उससे इंतकाल की कॉपी ली जा रही है। आपको पता है कि पास उसी का फॉर्म हुआ है जिसकी जमीन उसके नाम पर 1 फरवरी 2019 के पहले पहले हुई है, क्योंकि अगर बाद में हुई है तो उस किसान को फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य नहीं माना जा रहा है, एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। अगर उसकी जमीन बाद में उसके नाम हुई है तो वह इस योजना का फिलहाल लाभ नहीं उठा सकता, इसलिए सरकार यह भी चेक कर रही है। लेकिन किसान भाइयों, उस किसान का रिकॉर्ड न मिलने के कारण सरकार ने एक बार वेरिफिकेशन की है ताकि उसका इंतकाल अगर हो रखा है तो इंतकाल की कॉपी हमें मिल सके, या फिर फर्द में नाम है तो फर्द में नाम हमें देख सकें, या फर्द खेवट नंबर पता कर सकें, फर्द उनसे ले सकें या इंतकाल ले सकें। और किसान भाइयों, एक दिक्कत और आ रही है कि किसानों ने अपने गांव की जैसे आप हिसाब लगाकर चलिए कि आपकी जमीन आपके गाँव में नहीं है, किसी दूसरे गाँव में है, और आपने अपने गाँव का नाम ही फॉर्म में भर दिया और खेवट नंबर ही आपने, या जो आपकी नंबर आपने भरा है खसरा खेवट नंबर, वो उस गांव में भर दिया, क्योंकि किसान भाइयों, हर गांव में एक जैसी खेवट नंबर होती है, जैसे 11-12 हर गांव में होती है, ये कैसे पता चलेगा कि ये किस गांव की जमीन है, क्योंकि अगर आपने अपना गांव भर दिया है, एड्रेस में आपका अपना गांव है और जमीन किसी दूसरे गांव की है, तब वह चेक करेंगे खेवट नंबर के माध्यम से तो आपके गांव में कोई जमीन नहीं मिलेगी, जिसके कारण आपका जो फॉर्म है वो वहां पर गलत तरीके से दिखेगा, जिसके कारण ये वेरिफिकेशन हुई है ताकि आप बता सकें कि आपकी जमीन किस गाँव में है, और इंतकाल देने के बाद तो उन्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये किस गाँव की जमीन है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो न कटे, आपके पैसे बंदे न हों। और वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप सही पाए जाते हैं, आपने कोई गलत तरीके से लाभ नहीं लिया है, आपकी वाक्य में ही जमीन है, तो आपके पैसे नहीं रुकेंगे, कोई आपके पैसे को नहीं रोकेगा, आपके पैसे लगातार आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं रोके जाएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको इससे संबंधित कोई और समस्या है तो भी आप एक कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि इस पूरी जानकारी मैंने अपने हिसाब से प्राप्त करके आपको दी है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल भी अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।